नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। छपरा से सूरत जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस की 13 बोगियां पटरी से उतरी, 11 यात्री मामूली रूप से घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो कुछ हासिल किया उसका श्रेय लोगों की भागीदारी को जाता है। सीपीआई ने राजद पर कॉरपोरेट घरानों के दबाव में महागठबंधन में शामिल नहीं करने का लगाया आरोप। और राजधानी पटना में मार्च महीने में अधिकतम तापमान का पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड टूटा। सारण जिले में छपरा स्टेशन के पास आज ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण 11 लोग घायल हो गए। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने आकाशवाणी को बताया कि यह हादसा सुबह करीब 9:45 बजे छपरा के गौतम स्थान रेलवे स्टेशन के पास हुआ। इस दुर्घटना के कारण छपरा सूरत एक्सप्रेस, छपरा मऊ सवारी गाड़ी और छपरा वाराणसी सवारी गाड़ी को आज रद्द कर दिया गया। वहीं नई दिल्ली दरभंगा स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, अहमदाबाद दरभंगा जनसाधारण एक्सप्रेस और बलिया सियालदा एक्सप्रेस समेत 9 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। वाराणसी रेल मंडल क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर आवागमन को बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। कटिहार से दिल्ली के बीच चलने वाली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 4 और 5 अप्रैल को रद्द कर दी गई है। वहीं किशनगंज से अजमेर के बीच चलने वाली गरीब नवाज एक्सप्रेस और पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार से दिल्ली के बीच चलने वाली महानंदा एक्सप्रेस भी 2 अप्रैल से 16 अप्रैल तक विभिन्न तिथियों को रद्द रहेगी। रेलवे ने मालगाड़ियों के अत्यधिक परिचालन और ट्रैफिक ब्लॉक के कारण इन ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे चौकीदार के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और किसी को भी सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में लोगों ने उन पर भरोसा किया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पूरे बहुमत के साथ राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं भी चौकीदार कार्यक्रम के तहत देश भर में लोगों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद से उन्होंने भ्रष्टाचार से देश के धन की रक्षा करने के हर संभव प्रयास किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो कुछ हासिल किया उसका श्रेय लोगों की भागीदारी को जाता है। इस अवसर पर पटना के राजेंद्र नगर में आयोजित कार्यक्रम में पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अमेठी के अलावा केरल की वायनाड संसदीय सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने कहा कि राहुल गांधी ने केरल प्रदेश इकाई के अनुरोध के बाद वायनाड से लड़ने पर अपनी सहमति दे दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के 2 स्थानों से चुनाव लड़ने पर कहा है कि अमेठी में संभावित हार को देखते हुए उन्होंने केरल से भी खड़ा होने का फैसला किया है। प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर बढ़ गया है। पटना में भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और पटना साहिब से पार्टी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर झूठी राजनीति का आरोप लगाया। श्री प्रसाद ने कहा, महागठबंधन में न नेता है, न नीति है और न ही जनहित के मुद्दों को लेकर समर्पण का भाव है। इधर उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने पटना में कहा कि देश को एक मजबूर नहीं बल्कि एक मजबूत सरकार के लिए वोट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्पमत की सरकारों से सिर्फ देश का नुकसान ही हुआ है। वहीं जमुई में महागठबंधन के उम्मीदवार भूदेव चौधरी के लिए चुनावी सभा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार की असफलताओं को सामने रखा। उन्होंने कहा कि राजग के 5 साल के शासनकाल में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने महागठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटना में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के नारायण ने कहा कि कॉरपोरेट घरानों के दबाव में सीपीआई को महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसी कारण से कन्हैया को भी महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनने दिया गया है। वहीं राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि कन्हैया को बेगूसराय से उम्मीदवार बनाए जाने के कारण ही उनकी पार्टी ने सीपीआई को महागठबंधन में शामिल नहीं किया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वृषण पटेल आज अपने समर्थकों के साथ रालोसपा में शामिल हो गए। पटना में आयोजित कार्यक्रम में रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलायी।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में असफल छात्रों के लिए कम्पार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन करेगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र 5 से 10 अप्रैल के बीच भरे जाएंगे। कम्पार्टमेंटल परीक्षा अप्रैल के अंत में होगी। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा का परिणाम मई में घोषित कर दिया जाएगा। वहीं श्री किशोर ने बताया कि वैसे परीक्षार्थी जो अपने अंक से संतुष्ट नहीं हैं, वे उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 से 12 अप्रैल तक कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में तेज धूप से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। आज पटना का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं गया का अधिकतम तापमान 40 डिग्री जबकि भागलपुर का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 8 सालों में मार्च के महीने में पटना का यह अधिकतम तापमान रिकॉर्ड है। इससे पहले 27 मार्च 2010 को पटना का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया है कि जलवायु विविधता का प्रभाव पटना के मौसम पर इन दिनों पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कल से मौसम में कुछ बदलाव के आसार हैं। मगध के प्रमुख राजनीतिक क्षेत्र औरंगाबाद में पहले चरण में मतदान 11 अप्रैल को होगा। पेश है औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के बारे में हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में चुनावी संघर्ष इस बार रोचक और रोमांचक हो गया है। एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं। 7 अन्य उम्मीदवार भी चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा ने इस बार फिर से अपने सांसद सुशील कुमार सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से उपेंद्र प्रसाद प्रत्याशी हैं। बसपा के नरेश यादव और पूर्व विधायक सोम प्रकाश स्वराज पार्टी से प्रत्याशी हैं। सभी प्रत्याशी संसदीय क्षेत्र का सामाजिक समीकरण अपने पक्ष में होने के दावे कर रहे हैं। एनडीए का दावा है कि उत्तर कोयल नहर सिंचाई परियोजना को शुरू कराकर उसने क्षेत्र को विकास की संजीवनी बूटी दी है। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार बेरोजगारी, नक्सल समस्या और आर्थिक पिछड़ेपन को मुद्दा बना रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में सुशील कुमार सिंह ने 70,000 मतों से निखिल कुमार को हराया था। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह के परिवार के मुख्य सदस्य पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार का टिकट काट दिए जाने के कारण कांग्रेस में मायूसी है। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर। सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी वरुण कुमार पर चुनाव प्रचार में धार्मिक स्थल का प्रयोग करने के आरोप में जिला निर्वाचन पदाधिकारी रंजीत कुमार सिंह के निर्देश पर पुपरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं शेखपुरा में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में रालोसपा के निर्वाचन अभिकर्ता के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नवादा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाद एस ने बताया कि रजौली के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों के साथ फुलवरिया जलाशय के उस पार बसे ग्रामीणों को भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने के लिए पुलिस चौकस है। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर और समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्रों में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए कला जत्था के कलाकारों की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया है कि यह अभियान 26 अप्रैल तक चलाया जाएगा। आकाशवाणी पटना के वरीय अभियंत्रण सहायक जालंधर राम सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर आकाशवाणी पटना के उप महानिदेशक वेद प्रकाश और निदेशक पीके ठाकुर समेत कार्यालय के अन्य लोग मौजूद थे। शेखपुरा जिले के चिवाड़ा प्रखंड के एकरामा पंचायत से लाखों रुपए के सरकारी राशि के घपला मामले में आरोपी पंचायत सचिव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। छपरा से सूरत जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस की 13 बोगियां पटरी से उतरी, 11 यात्री मामूली रूप से घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो कुछ हासिल किया उसका श्रेय लोगों की भागीदारी को जाता है। सीपीआई ने राजद पर कॉरपोरेट घरानों के दबाव में महागठबंधन में शामिल नहीं करने का लगाया आरोप। और राजधानी पटना में मार्च महीने में अधिकतम तापमान का पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड टूटा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। This is All India Radio. The news read by Abhishek Kumar. Electioneering has picked up with leaders of political parties addressing public meetings and rallies across the country.
senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi today said he is discharging his duties as a chowkidar and will not allow anyone to misuse the public money. He was interacting with people across the country at Main Bhi Chowkidar program through video conferencing from New Delhi. He said, in 2014, the people trusted and gave the opportunity to the NDA government with full majority to serve the nation. Mr. Modi said, after assuming the new responsibility, he tried his best to protect the nation's wealth from the corrupt. Prime Minister said, whatever his government has achieved in the last 5 years, it is because of people's participation. He said, Swachhata Abhiyan has become a mass movement due to the support of the people. Mr. Modi said, everyone has his or her priorities, but we should decide that nation has to be the topmost priority. Saluting the country's brave soldiers, Prime Minister said that Balakot airstrike was carried out by the Jawans and not by him and gave full credit to the armed forces. BJP President Amit Shah has charged the Congress with having played with country's security for its vote bank politics. Addressing an election rally at Nagina in Uttar Pradesh, he said, Congress put a tag of terrorism on the Hindu community, but the recent judgment in Samjhota Express blast case has proved that Swami Asimanand and all other accused are innocent. He demanded that Rahul Gandhi and the Congress must apologize to the nation. Congress President Rahul Gandhi today said if his party comes to power, it will give special category status to Andhra Pradesh. He was addressing a public meeting in Vijayawada. Mr. Gandhi said Prime Minister Narendra Modi failed to fulfill his commitment made to the people of Andhra Pradesh on the issue in the last 5 years. He said Congress would wage a war against poverty by implementing Nyaya scheme to give 72,000 rupees annually to the poorest families. Senior party leader A.K. Antony today announced that Mr. Gandhi will also contest from Wayanad Lok Sabha seat in Kerala along with his Amethi seat in Uttar Pradesh. Briefing media in New Delhi, Mr. Antony said the decision was taken following requests by many Congress workers and leaders from southern states. Reacting to Mr. Gandhi's candidature from Wayanad, former CPIM General Secretary Prakash Karat said that the Congress party's decision shows that their priority now is to fight the left in Kerala. He said it goes against Congress's national commitment to fight BJP, as in Kerala it's LDF which is the main force fighting BJP there. The Left Democratic Front, LDF, has fielded CPI's P.P. Sunir from the seat. In Assam, star campaigners of major parties are reaching the state to woo the voters. Prime Minister Narendra Modi and BJP President Amit Shah have already held rallies in the state. Congress President Rahul Gandhi and Party General Secretary Priyanka Gandhi Vadra will visit Assam next week, beginning tomorrow. West Bengal Chief Minister and TMC Chief Mamata Banerjee will also address a poll rally soon. Assam has a total of 14 Lok Sabha seats. In the first phase of Lok Sabha polls, voting in the state will be held on 5 seats on 11th April. In the second phase, 5 seats will go to polls on 18th April. In the third phase, polling will take place on 4 seats on 23rd April. Meanwhile, nominations are being filed for the third phase of Lok Sabha elections for 115 constituencies in 14 states and union territories going to polls on 23rd of April. The last date of filing nominations is 4th of April. The last date of withdrawal of candidatures is 8th April. In Kerala, polling for all 20 Lok Sabha seats in the state will take place in third phase. Indian Space Research Organization ISRO will launch the country's latest observation satellite MESAT tomorrow. The launch vehicle PSLV-C45 will lift off from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota at 9:27 a.m. with MESAT and 28 other customer payloads. The countdown for the launch mission is progressing smoothly at the launch pad. A MiG-27 aircraft of Indian Air Force crashed in Godhna area of Sirohi district in Rajasthan this afternoon. Sirohi SP K.L. Meena told AIR pilot ejected safely. Indian shooters Devyansh Singh Pamar and Elavanil Valarivan bagged the 10-meter air rifle men and women's individual golds today on the fifth day of the 12th Asian Air Gun Championships in Tao Yuan in Taipei. In group event 2, India clinched the gold. Former champion Kidambi Srikanth lost in straight games to former world champion Victor Axelsen of Denmark at the Yonex Sunrise India Open Badminton Tournament in New Delhi today. And that is the end of this news bulletin.